I am Hemant Kumar Das on behalf of Ruchika Social Service Organization Education Project. Today, I shall teach you a English poem of class 5, Clouds. Understood? Let us listen and start the poem. Good morning, students. How are you? Okay. Fine. Tell me, students, what are they are in the sky? Yes, there are stars, sun, moon, and clouds in the sky. Who have seen the clouds in the sky? What do the clouds do in the sky? Yes, sometimes they float in the blue sky and sail over the mountains. पे मैंने आम समस्ते मेघखंड बौदौड़ को देखीचे से मैंने आकाश में नील आकाश भितर घूरी बुलती पहाड़ पर्वत उपरे भासंती आम से गुड़िक से दृश्य देखीचे हाउ डू दे लुक लाइक से जो किभली देखा जाती जो आकाश में बुलू था भासु था किभली केवपरी देखा जाती एस दे लुक लाइक डिफरेंट एनिमल्स एंड बंडल्स वूल्स इन द स्काय से मैंने केमी देखा जाती आकाश में विभिन्न प्राणी पशु मानकर आकृति सह मिली जाती मिशी जाती से आकृति देखा गदा गदा तुला विड़ा भली देखा लुक एट द पिक्चर पे मैंने देखिपार बर्तमान आम एक पिक्चर देखिए यहाँ गोटे पशु भली देखा एस यहाँ गोटे पशु भली देखा यहाँ गोटे धला मेढा भली देखा एपटे कौन देखुं पे मैंने चित्र सब तुला बिड़ा बा तुला गदा सतेपरी थुआ जाए आम से देखुचे बर्तमान आम सब मेघमाल विषय जापारे आम तारीपर गोटे कविता टीए पढ़वा जो कवित कवि निज गोटे छोटिया पिला सहित तुलना कर मेघमाल बौद्ध खंड को विभिन्न प्रश्न पचारूँगी कविता मध्यम आउ गोटे कथा से कवित कवि मेघमाल बौद्ध गुड़ को गोटे ह्वैट सीप धला मेढा बोली संबोधन करश्न पचार कौन संबोधन कर धला मेढा गोटे पशु सहित तुलना कर विभिन्न प्रश्न पचार ह्वैट सीप ऑन ए ब्लू हिल व्हेन द विंड स्टॉप यू ऑल स्टैंड स्टिल यू ऑल रन अवे व्हेन द विंड्स ब्लो व्हाइट शिप व्हेयर डू यू गो पिल माने एटा थिला संपूर्ण कविता मु पढ़िली तुम्हें समस्त सुनिल बर्तमान तुम्हें समस्ते बहीट को बंद करी मो पढ़ाटी को सुन तापर तुम्हें समस्ते बही देखी पढ़ व्हाइट शिप ऑन ए ब्लू हिल व्हेन द विंड स्टॉप यू ऑल स्टैंड स्टिल यू ऑल रन अवे व्हेन द विंड्स ब्लो व्हाइट शिप व्हेयर डू यू गो अंडरस्टूड पिले माने समस्त एथरक बही खोल पढ़ पढ़ल बर्तमान आम विषय किसी कष्ट शब्द आलोचना करवा प्रथम गला क्लाउड्स क्लाउड्स माने मेघ माल व्हाइट व्हाइट माने धला रंग ब्लू नील सेल शून्य भाषा माउंटेन्स एम ओ यू एन टी ए आई एन एस माउंटेन्स कहले पर्वत माला फ्लोट फ्लोट माने भाषा एनिमल पशु बुझे बोले बर्तमान देख बंडल्स ऑफ वूल्स बंडल्स ऑफ वूल माने तुला पीड़ा बा तुला गदा शिप शिप माने मेढा पल एवं तार सिंगुलर मध्य सही स्पेलिंग सही बनान सिप सी माने गोटे मेढा हेबो हिल पहाड़ विंड पवन स्टैंड स्टिल स्थिर और निश्चल पूरा स्थिर ब्लो ब्लो माने पवन बहिबा एहा थिला हमर समस्त विषयटर कष्ट शब्द एवं आम विषयटी भल भाव बुझा बुझे व्हाइट शिप ऑन ए ब्लू हिल व्हेन द विंड स्टॉप यू ऑल स्टैंड स्टिल कवि पचार व्हाइट शिप
ऑन ए ब्लू हिल। धड़ा मेंढा हे मेंढा पल हे मेंढा पल तुम्हें से नील पहाड़ उपरे कौन कर व्हेन द विंड स्टॉप यू ऑल स्टैंड स्टिल। तुम्हें से नील पहाड़ पर्वत नील आकाश में बुलू था जितने पवन रही जाए पवन स्थिर हो जाए बंद हो जाए यू ऑल स्टैंड स्टिल तुम्हें समस्त स्थिर निश्चय हो रही जाओ कड़ी जावासवा कर ना। यू ऑल रन अवे एवं तुम्हें दौड़ मध्य तुम्हें समस्त जोर दौड़ा लग कत व्हेन द विंड्स ग्लो जिते बड़े पवन बहवा आरंभ करे पवन बुहे पवन आसे से तुम्हें दौड़ा आरंभ कर। व्हाइट शिप व्हेयर डू यू गो हे मेंढा पल व्हेयर डू यू गो तुम्हें रही जाओ पुणी चली जाओ पुणी दौड़ता हेले तुम्हें व्हेयर डू यू गो तुम्हें सब कुआडे जाओ कुआडे जाओ था। यह थिला कवि प्रश्न क्या मेघमाला को एवं से मेघमाला को से कौन कहते धड़ा मेंढा कही विभिन्न प्रश्न पचारुले एवं उत्तर आशा करते संपूर्ण विषयटी ओडिया अनुवाद पे मैंने भावुँ तुम्हें समस्ते बुझीपारी तारीपे मुँह तुमको किसी प्रश्न उत्तर देजे वर्तमान आलोचना करवा बुझेगा। आंसर दि फॉलोइंग क्वेश्चंस तले मुँह तुमको कतोटी तीनोटी क्वेश्चन एवं तुम्हें सब मत उत्तर दि। व्हाट इज द पोएम अबाउट द पोएम इज अबाउट द क्लाउड्स कविता टी कहा विषय लिखा जाए उत्तर हो द पोएम इज अबाउट द क्लाउड्स कविता टी मेघखंड बौद्ध उपर लिखा जाए। व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लाउड्स से मेघखंड रंग किपर थिला आंसर हो द कलर ऑफ द क्लाउड्स इज व्हाइट से मेघमाल बौद्ध खंड रंग थिला धला रंग थिला बुझे। हु इज आस्किंग व्हेयर डू यू गो टू द क्लाउड्स पिले कहल किए पचार मेघ को तुम्हें कुआडे जाओ यस उत्तर हो चाइल्ड इज आस्किंग द क्लाउड्स व्हेयर डू यू गो गोटे पिला पचार मेघ को तुम्हें कुआडे जाओ। बर्तमान नंबर दुई मल्टीपल चॉइस मुझे तुमको तीनोटी कतोटी प्रश्न दे प्रश्न तले चारोटी संभाव्य उत्तर अच्छी से उत्तर मधर सठिक उत्तर बाछी मत कह द क्लाउड्स लुक लाइक मेघ गुड़िक क्या देखाती बार्डस एनिमल्स हिल्स माउंटेन्स क्या भाई एनिमल्स एस एनिमल्स हूँ सठिक उत्तर। हु सेड यू ऑल रन अवे किए पचारा तुम्हें सब दौड़ी जाओ किए पचार किए कौच द स्कार द मैन द वोमेन द चाइल्ड सठिक उत्तर हूँ दि चाइल्ड। नंबर सी ह्विच कलर हाव बीन यूज इन दिस् पोएम ए कविताटे के रंग विषय आलोचना कराई के रंग कथा कह रेड ब्लू रेड ब्लाक ह्वैट ब्लू और ह्वैट ब्राउन आंसर हो सठिक सठिक उत्तर हूँ ह्वैट ब्लू। बर्तमान क्वेश्चन नंबर थ्री राइट द नेम अफ फाइव कलर्स बर्तमान पे आम कलर विषय आम धारणा आसला बर्तमान तुम्हें पांचटी रंगर नाम मत कह उत्तर हूँ रेड ब्लैक ब्लू येलो ग्रीन यह पांचटी रंगर नाम ठीक अच्छे। बर्तमान आम प्रश्न उत्तर आलोचना कले विषय टी पढ़ले बुझले एवं मु तुमको से ही विषय उपर विषय भित्तिक किसी प्रश्न उत्तर तुमको घरे करने दौर। क्वेश्चन नंबर वन आंसर ऑल द क्वेश्चंस ए व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लाउड्स बी व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई सी व्हेयर डू द क्लाउड्स सेल टी हु आर कंपेयर्ड विथ व्हाइट सी ए कवितार धला मेंढा सहित क्या तुलना कर देर आर टू कलर्स इन द पोएम व्हाट आर दे ए कवितार दुईट रंग विषय आलोचना करगुड़ कौन कौन। नंबर टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कलर वर्ड्स वर्तमान तुमको कतोटी वाक्य दे वाक्य किसी असंपूर्ण अंश अच्छी आम विभिन्न रंगर नाम व्यवहार करगुड़ पूर्ण करवा द क्रो इज डैश द टमाटो इज डैश द कलर लिख पैरोट इज डैश ऑरेंज इज डैश। नंबर थ्री राइट फाइव सेंटेंस अबाउट शिप मेंढा विषय जान लें आम समस्ते मेंढा को देखी एवं मेंढा विषय पांचटी वाक्य आम लिखा। तापर नंबर फोर
ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ब्लू स्काय विथ स्टार्स क्लाउड्स एंड मून। वर्तमान पिले आमे गोटे चित्र करिबा, से चित्रटी कहाँ उपरे करिबा, गोटे नील आकाश होइतिबो एवं सेत्रे तारा थिबे, चंद्र थिबे एवं मेघ खंड मान बुलुथिबे। वर्तमान मुझ तुम गोटे चित्र दे दी पिले देखिबा, चोटा चित्र कर दे तुमको पठाई देछि, तुम्हें चित्र देखी एमती चित्र करि पारिबे। रहुछि पिले, वर्तमान मोर समस्त अभिभावक मान पई गोटे सूचना अछि। समस्त अभिभावक मान मोर नमस्कार। मु आज पंचम श्रेणी इंग्राजी बहर पार्ट टू लेसन फाइव क्लाउड्स विषय टी संपूर्ण भाव में बुझाईदेली एवं तार उपर एक प्रश्नपत्र देखण से गुड़िक उत्तर करिवारे आपण पिला आवश्यक स्थल साहय करेंगे। रोचे, धन्यवाद।